तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो आपने पेट्रोल डीजल के प्राइस तो सुने ही होंगे कि आज दिल्ली में 100 रुपये पार चले गए पेट्रोल के दाम, मुंबई में 120 के पार चले गए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नींबू की क्या हालत हो रही होगी? जी बिल्कुल, मेरे पास है एक नींबू, भले से ये सूखा हुआ है लेकिन इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल गया कि मेरे पास एक नींबू है तो शायद इनकम टैक्स वाले मेरे ऊपर छापा मार दे। और अगर लोगों को पता चल गया, सोसाइटी में पता चल गया कि मेरे पास एक नींबू है तो शायद वो लोग आएंगे और मुझसे कर्ज़ा मांगना शुरू कर देंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी आएंगे जो मुझसे चंदा मांगने आएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी आ सकते हैं कि एक नींबू की वजह से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। चलो ये तो खैर मजाक की बात रही, लेकिन आजकल नींबू के प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और देखा जाए तो 400 रुपये किलो से भी ज़्यादा पहुँच चुके हैं नींबू के प्राइस। तो क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों नींबू के अलावा बहुत सारी सब्जियों के प्राइस बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं? तो आज इसके बारे में जानते हैं कि इसके पीछे की क्या वजह है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। गाइस डोंट ब्लेम पेट्रोल डीजल सीएनजी प्राइस हाइक अलोन, यानी कि ये कहा है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल और सीएनजी प्राइस को ही ब्लेम मत करो, यहाँ पर जो नींबू है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट, नो मोर नींबू पानी, व्हाई प्राइसेस ऑफ लेमन्स अक्रॉस इंडिया हैव लेफ्ट सोर टेस्ट इन माउथ, द टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ। मेन्यू टर्न सोर एज लेमन प्राइस सोर टू ऑल टाइम हाई, यानी कि अब तक का सबसे हाई प्राइस गया है नींबू का यहाँ पर। तो देखा जाए तो जब से नींबू की कीमत ज़्यादा हुई है तब से इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा मीम्स आ रहे हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मीम इंटरनेट पर शेयर किए जा रहे हैं। जैसे कि ये है, पहले मैं गरीब था फिर मौसी ने कहा नींबू की खेती कर, अब अंबानी को मैंने ड्राइवर रखा है। यानी कि ये इतना अमीर बन गया है नींबू बेच करके, उसने अंबानी को ड्राइवर रख लिया। और इसके अलावा ये, अब मेरे घर पर इनकम टैक्स के रेट पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसके घर के जो नींबू का पेड़ है वहाँ पर नींबू ही नींबू है। और ये कार्टून है रेमिक्स कॉमिक्स की तरफ से, लेमन प्राइस शूट अप, यानी कि कोई यहाँ पर चोर आया, गाड़ी को रोका उसने चाकू के दम पर, लेकिन उसने देखा कि नींबू मिर्ची लगी हुई है तो उसने कुछ लूटा ही नहीं, सिर्फ नींबू मिर्ची लूट कर चला गया। तो देख सकते हैं कि नींबू मिर्ची की प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये नीता जी, लेट द प्राइस राइज आई एम गोइंग टू बी रिच सून, यानी कि अब रेट बढ़ने तो इसका मैं भी अब अमीर होने वाली हूँ। और एक ये, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन इंडिया नाउडेज, एक तो पेट्रोल पंप क्योंकि पेट्रोल के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और एक लेमोनेड शॉप यानी कि सिकंजी की दुकान, नींबू पानी की दुकान, नींबू ही नींबू है जहाँ पर, तो एक्सपेंसिव तो होगा ही ना। और एक ये जो धमाल मूवी का लिया गया है जिसमें वो बोलता है पप्पा, तो थप्पड़ मार के वो जो उसका पप्पा है वो बोलता है पप्पा नहीं पप्पा जी बोल, तो इस तरह से नींबू नहीं नींबू जी बोल, तो इस तरह से यहाँ पर मीम बना दिया है। तो जैसे कि आपको पता है कि गर्मी आ चुकी है और देश में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ख़ासकर नींबू में। नींबू को गर्मियों का राजा भी कहते हैं क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, और इसके अलावा नींबू से शिकंजी और नींबू पानी बनती है जिसे पीने से शरीर में ठंडक का एहसास होता है और जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। लेकिन अब इसके दामों में आग लग गई है, 300 रुपये तो इसकी होलसेल रेट ही चल रहा है और 400 रुपये के आसपास इसके रिटेलर रेट चल रहे हैं। 400 रुपये किलो तो जोधपुर में मिलेगा नींबू, और इतना ही नहीं एक नींबू का दाम 18 से 25 रुपये के बीच चल रहा है। ए सिंगल लेमन कॉस्ट समवेयर बिटवीन 18 to 15 इन गुजरात, 18 रुपये से 25 रुपये का एक सिंगल नींबू। मैंने आज तक भी नींबू के इतने ज़्यादा रेट नहीं देखा है, और शायद आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि देखा जाए तो नींबू का ये दाम ऑल टाइम हाई चल रहा है। अब देख लेते हैं नींबू का रेट अलग अलग जगहों पर क्या क्या चल रहा है। कॉस्ट ऑफ लेमन अक्रॉस मेजर सिटीज़, तो दिल्ली में 350 रुपये किलो, सूरत में 300, उत्तराखंड में 350, नागपुर में 300, जयपुर में 400, और सबसे ज़्यादा तो नोएडा में चल रहा है 428 रुपये पर केजी, हरियाणा में भी 420 रुपये पर केजी है, मुंबई में 320 और कोलकाता में 300 रुपये चल रहा है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इस किस तरह से आगे बढ़ा है ये प्राइस। तो फीलिंग द स्क्वीज, रिटेल रेट 30 डेज है, 30 दिन पहले क्या रेट थे 50 से 60 रुपये किलो, 15 दिन पहले क्या रेट थे 70 से 90 रुपये किलो, 7 दिन पहले 175 से 200 रुपये किलो, और अभी जो रेट चला है 280 से 300 रुपये किलो। लेकिन अभी देखा जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर नई फसल आने वाली है नींबू की, जिससे शायद उम्मीद की जा रही है कि 100 से 120 रुपये किलो हो जाए नींबू। लेकिन सवाल ये आता है कि इसके पीछे क्या कारण है,
क्यों नींबू के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे देखिए कई कारण हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो कारण है वो है रेज इन पेट्रोल डीजल एंड सीएनजी प्राइस, यानी कि जब से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के प्राइस बढ़े हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि देखा जाए तो नींबू अगर कहीं पर बिकेगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पैदा भी वहीं पर ही होता हो, इसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि जहाँ पर पैदा होगा वहीं पर सारा खाया नहीं जाएगा, तो वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पर इसको बेचेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगी, तो वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हो। क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 10 रुपये के से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ऐसे ही उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ गया होगा। और इसी वजह से जो वेजिटेबल सेलर्स है उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि उनको भी हाई नींबू के प्राइस से कम प्रॉफिट मिल रहा है और इनका जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो भी कम हो रहा है। और इसके अलावा जो एक और रीज़न है वो है जो नींबू की जो खेती है गुजरात में वो साइक्लोन की वजह से नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से जो नींबू है वो गुजरात से नहीं जा रहा है, गुजरात में इसकी फसल चौपट हो गई है, जिसकी वजह से जो यहाँ से सप्लाई थी वो वहाँ पर जा ही नहीं पा रही है, दिल्ली वगैरह में जो बड़े शहरों में है, तो नींबू के प्राइस तो ज़्यादा होंगे ही क्योंकि फसल तबाह हो गई है। और इसके अलावा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये भी कहा है कि जब से रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया है तो पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो शॉक हो गई है, जिसकी वजह से जो प्राइजेज हैं वो सब में इंक्रीज़ हुए हैं। और जो वॉर है उन्होंने मैसिव सप्लाई डिस्टरप्शन किया है, यानी कि जो सप्लाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरप्ट आ चुका है, जिसकी वजह से नींबू के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और नींबू नहीं बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ रीज़न ऐसे हैं जैसे कि अभी फ़िलहाल चल रही है गर्मी, और गर्मी का सीज़न ऐसा है कि यहाँ पर जो मार्केट रेडी जो क्रॉप है यानी कि नींबू की बस तैयार है फसल, उसको बस काटना है और बेचना है, तो ऐसे में फसल खड़ी हुई, लेकिन अभी आ गई है एक्सट्रीम हीट, जिसकी वजह से जो नींबू की जो तैयार फसल है वो बहुत ज़्यादा जगहों पर ख़राब हुई है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो यहाँ पर जो लेमन प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो रहा है क्योंकि एक्सट्रीम हीट चल रही है यहाँ पर, तो नींबू की जो फसल है वो ख़राब हो गई है बहुत सारी जगह पर। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्राइस है वो तो हायर होगा ही क्योंकि फसल कम है, और एक दूसरी नींबू के प्राइस बढ़े हैं। और इतना ही नहीं, नींबू के प्राइस ही नहीं बढ़े हैं बल्कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों के भी प्राइस बढ़े हैं, जैसे कि मिर्च है, जिंजर है, बहुत सारे बीन्स है, गार्लिक है, कॉलीफ्लावर यानी गोभी है, ग्रीन कोरिएंडर प्राइस है बीन ऑन द राइस कंटिन्यूसली, और धनिया और जो मिर्ची है इनके प्राइस तो 40-60% तक बढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है यहाँ पर। और पहले जो एक नींबू का कट्टा 700 रुपये में मिलता था, अब उसी के लिए 350 रुपये पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो तो जंप होना ही था। और इतना ही नहीं, यहाँ तो ताला तोड़ के नींबू चोरी कर लिए हैं। शाहजहाँपुर में सब्जी वाले के गोदाम में रखे थे 60 किलो नींबू, तो वहाँ पर नींबू ही चोरी कर लिए, नींबू के साथ साथ लहसुन प्याज और कांटा और बाड़ भी ले गए। तो ऐसा भी चल रहा है काम यहाँ पर कि नींबू अगर महंगा हुआ तो नींबू ही चोरी हो गए। तो चलिए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्लीज टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।